फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए स्टडी एवरीडे चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट स्टडी एवरीडे वीडियोस अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। नॉर्मेशन मींस क्या होता है? किसी टेबल को सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करना मींस हम बोल सकते ब्रेक करना। अब मान लो डेटाबेस के अंदर बड़ा टेबल है, उसमें इंफॉर्मेशन है, ओके? तो उस टेबल को हमको ब्रेक करने की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर हम एक ही टेबल रहने दें तो काम इजी हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद हम तो क्या करते हैं, एक बड़े टेबल को नॉर्मलाइज कर देते हैं, मींस ब्रेक कर देते हैं। तो इसके पीछे क्या है कारण है? इसके पीछे है डुप्लीकेसी को हटाना। मान लीजिए आपका नाम ना शिवम बाबा आपका रोल नंबर बाबा लिखा हो रहा है, आपका एड्रेस बाबा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? जो डेटाबेस है उसकी मेमोरी फुल होती है, क्योंकि अगर मान लो कोई आपका डेटा है रिपीट हो रहा है, डेट मींस डेटाबेस के अंदर स्पेस दे रहा है। तो डुप्लीकेसी को रिमूव करना पहला कारण है नॉर्मलाइजेशन को यूज करने की, डेटा डुप्लीकेट ना है, ओके? जैसे सिंपल कारण क्या होता है? एनामोलीज। एनामोलीज को रिमूव करना। एनामोलीज कौन कौन सी हो जाती है? इंसर्शन एनामोलीज, अपडेशन एनामोलीज, डिलीशन एनामोलीज। मान लो आप किसी टेबल के अंदर मैंने क्वेरी लिखी, मैंने क्वेरी क्या लिखी, इंसर्ट या फिर चेंज नेम, मुझे चेंज करना है, ओके? या परसेंटेज चेंज करना है, नहीं जहां का परसेंटेज 70 है वहां पर मुझे कितना करना है? 80 करना है, लेकिन कहां का चेंज करना है? वेयर नेम इक्वल्स टू शिवम चौधरी, मैंने क्या लिखा, चेंज परसेंटेज या अपडेट परसेंटेज वेयर नेम इक्वल्स टू शिवम चौधरी। अब टेबल में जितने शिवम चौधरी होंगे सबके परसेंट चेंज हो जाएंगे, प्रॉब्लम है अपडेट करने में। एनामोली से मतलब क्या है? प्रॉब्लम आ गई। पहली प्रॉब्लम क्या है? अपडेट की प्रॉब्लम। अगर मुझे एक परसेंटेज चेंज करना है किसी पर्सन के जहां पे नाम क्या है, शिवम चौधरी, तो जहां जहां पे शिवम चौधरी होगा वो सबके परसेंटेज चेंज हो जाएंगे। प्रॉब्लम है डिलीशन की, मुझे सिटी चेंज करना है, जहां जहां बुरहानपुर लिखा है वो सब चेंज हो जाएगा। मैंने जब कमांड चलाई बुरहानपुर जहां पे लिखा डिलीट हो जाएगा, तो जिन डेटा के आगे बुरहानपुर लिखा हुआ होगा वो सब क्या हो जाएंगे, डिलीट। सेम प्रॉब्लम इंसर्शन के अंदर भी आती है, क्लियर है? तीन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? नॉर्मलाइजेशन, राइट? ये सब करके देखते हैं। हटा दो इसको, इसके लिए हम लोग कुछ नॉर्मल फॉर्म्स यूज करते हैं। कौन कौन से नॉर्मल फॉर्म्स हमारे पास में है? 1NF फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, 2NF सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, 3NF थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF 3.5 नॉर्मल फॉर्म, 4NF और 5NF। ये कुछ नॉर्मल फॉर्म्स हमारे पास में है ना। BCNF का मीनिंग क्या हो जाता है यहाँ पर? बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, 3.5NF, या फिर स्ट्रॉन्गर 3NF। BCNF कितने नाम जानते हैं हम लोग, ओके? बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म या 3.5NF या फिर स्ट्रॉन्गर 3NF। मीन ये 3NF ही होती है, बट 3NF का जब स्ट्रॉन्गर फॉर्म आ जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, BCNF, ठीक? अब इनको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्लियर है इतना?
नॉर्मल फॉर्म्स का पहले आप लेते हैं 1 mm, किसी भी टेबल को 1 NF में कन्वर्ट कैसे करते हैं, मतलब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते, ठीक है ओके। अभी मैं एक टेबल लेता हूं, यहां पर मान लो हमने टेबल लिया है रोल नंबर, यहां पर हमने ले लिया नेम, यहां पर ले लिया हमने सब्जेक्ट, ये टेबल हमारे पास। अब मान लीजिए आपका रोल नंबर है 001, नेम है रिया लिख देता हूं, सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश, रोल नंबर 002, यहां पर आ गया अपन अश्विन, सब्जेक्ट है कन्नड़, 003 जागृति, सब्जेक्ट है संस्कृत। ये एक डीबीएमएस हमारे पास है, टेबल हमारे पास, ठीक है। अब इस टेबल को हमें क्या करना है, ये नॉर्मलाइज नहीं है, ये टेबल कैसा है अननॉर्मलाइज, इसको हमको नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज करना है मतलब किसमें कन्वर्ट करना है, पहले सबसे पहले टेबल किसमें कन्वर्ट होता है 1 mm, हम डायरेक्टली किसी भी टेबल को 2 mm में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर मान लो कोई टेबल 2 mm में है, दैट मींस पक्का वो 1 mm के अंदर होगा, बिना 1 mm के 2 mm में जाएगा। अगर मान लो कोई टेबल 3 mm में है तो 100% वो किसके अंदर होगा, 2 mm में होगा। मैं जितने भी हायर नॉर्मल फॉर्म है उनके होने का प्रूफ ये बताता है कि उनके लोअर फॉर्म के होने का प्रूफ भी, क्लियर है। अगर मान लो कोई टेबल 2 mm में है, ये जरूरी नहीं है कि वो 3 mm में हो, क्लियर है इतना। जो टेबल 2 mm में है दैट इज नॉट नेसेसरी कि वो 3 mm के अंदर होंगे, लेकिन जो 3 mm में है वो 100% किसमें होगा, 2 mm के अंदर। अब हमें इसका क्या निकालना है, 1 mm। अब मैं इसका 1 mm क्यों निकाल रहा हूं, 2 mm क्यों नहीं निकाल रहा, मुझे कैसे मालूम कि 1 mm के अंदर नहीं है, जबकि हमको देख के मालूम पड़ना चाहिए कि कोई टेबल 1 mm में है कि नहीं है। जैसे आपको टेबल दिया गया है, आपको बोला जाएगा इसको नॉर्मलाइज करो, तो आप कैसे पहचानोगे कि उसमें 2 mm निकालना है कि 3 mm निकालना है। तो पहली चीज क्या है, 1 mm की पहचान क्या होती है, ऑल रोज आर यूनिक। पहली पहचान क्या है 1 mm की, है ना, हाउ टू आइडेंटिफाई 1 mm, हमें यह पता करना है कि टेबल 1 mm के अंदर है कि नहीं। तो पहली थिंग क्या है, 1 mm क्या बोलता है कि जो टेबल आपको दिया गया है क्या उसके अंदर सारी रो यूनिक है, पहले पॉइंट हमको ये देखना है। दूसरा पॉइंट हमको क्या देखना है, ऑल कॉलम्स मस्ट हैव सिंगल वैल्यू, क्या हर कॉलम के अंदर सिंगल वैल्यू है, ये सेकंड पॉइंट है। अगर सिंगल वैल्यू है मतलब 1 mm के अंदर, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट को देखूं, यस ऑल रोज आर यूनिक, सभी रो कैसी है यूनिक, एक जिस दो रो आपको दिखाई दे रही क्या, नहीं दिख रही, सभी रो अलग अलग है, तो पहला पॉइंट तो प्रूव बैठता है। लेकिन सेकंड पॉइंट देखो, ऑल कॉलम्स मस्ट हैव अ सिंगल वैल्यू, तो अगर मैं कॉलम सब्जेक्ट की बात करूं, सब्जेक्ट के अंदर देखो दो वैल्यू है हिंदी और इंग्लिश, थर्ड ठीक है, फोर्थ ठीक है, नेम वाला कॉलम भी ठीक है, रोल नंबर वाला कॉलम भी ठीक है, वो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, सब्जेक्ट वाले कॉलम में, यानी इससे मालूम पड़ता है कि 1 mm के अंदर नहीं। अगर मान लो यहाँ पर एक ही वैल्यू होती, यहाँ पर इंग्लिश दिया हुआ नहीं रहता,
दैट मींस ये किसके अंदर है, 1NF के अंदर, क्लियर है इतना, ये 1NF के अंदर है, ठीक है। लेकिन अभी जो दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग 1NF के अंदर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस टेबल को कन्वर्ट करना पड़ेगा 1NF के अंदर। पूरी रोज को यूनिक बना दो, वो तो पहले से बनी हुई है, बनाने की जरूरत नहीं है। सब कॉलम में एक ही वैल्यू होना चाहिए, इसको करने की जरूरत है, क्योंकि इस कॉलम में सिंगल वैल्यूज है, इस कॉलम में सिंगल वैल्यूज है, बट इस कॉलम के अंदर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, एक नया टेबल बनाएंगे, यहां पर दे दो कॉलम्स के नेम जो भी है सेम, पहला नाम क्या है, रोल नंबर 001 रिया हिंदी, सेकेंड वन इज 002, बाकी एक वैल्यू हम लॉस कर रहे हैं, कौन सी, इंग्लिश, वो भी आप पहले पुट कर दो, यहां पर क्या जाएगा इंग्लिश। देन 002 पे कौन है, अश्विन कन्नड़, 003 पे आ गया जागृति, यहां पर हो गया संस्कृत, आई थिंक क्लियर हो गया हम आपको। 1NF हमने क्रिएट किया है, ओके। अब देखो सारे कॉलम में सिंगल वैल्यू है और तीन चारों रो के सी यूनिक है ना, देखो भले ये दो चीजें सेम है पर ये तो अलग अलग है। अगर मैं इस रो की बात करता हूं पहले वाली और दूसरी रो की, तो भले दो कॉलम सेम है लेकिन थर्ड कॉलम डिफरेंट है। अगर थर्ड कॉलम भी सेम हो जाता, अगर मान लो यहां पर इंग्लिश होता हिंदी की जगह में, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि रोज यूनिक नहीं है, ये वाली रो और ये वाली रो दोनों एक ही सी ना, तो 1NF के अंदर अभी भी नहीं है, ओके। लेकिन यहां पर इंग्लिश नहीं, यहां पर क्या लिखा हुआ है, हिंदी, दैट मींस दोनों रो के सी अब अलग अलग, ये हमको क्या मिल गया 1NF, हमको 1NF तो मिल गया। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है यहां पर, अगर मैं बात करता हूं एडवांटेज की, एडवांटेज हमको क्या मिला, यूनिक रोज, लेकिन एक डिसएडवांटेज भी मिला है। डिसएडवांटेज हमको क्या मिला है यहां पर, डुप्लीकेशन। तो दिस पर्सन इज सेम, रोल नंबर दो बार आ गया, ये डुप्लीकेशन, ये भी दो बार आ गया, डुप्लीकेशन। डिसएडवांटेज क्या है यहां पे, डुप्लीकेशन मीन डेटा का रिप्लीकेशन हो रहा है,